हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बॉबी फिशर की एक काफ़ी पावरफुल गेम दिखाने वाला हूं जो उन्होंने 1962 में कार्ल रॉबर्ट्स के सामने खेली थी। और ये गेम जो है उनकी वन ऑफ द नोटेबल गेम में जो है वो गिनी जाती है, जहाँ पर बॉबी के वाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत e4 से की एंड नाउ d5 बाय कार्ल। सो ये है दोस्तों स्कैंडिनेवियन डिफेंस, ई कैप्चर्स ऑन d5, क्वीन कैप्चर्स ऑन d5 एंड नाउ नाइट टू c3, क्वीन टू d8 एंड नाउ d4, g6, बिशप टू f4। सो यहाँ पे देखिए, ये पोन स्ट्रक्चर जो है वो फियांचटो जो है पोन स्ट्रक्चर कहलाता है, जहाँ पे यूजुअल प्लान वाइट का ये होता है कि जैसे बिशप g7 आता है, राइट, हम जो है डैश स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज करना चाहते हैं विथ लाइक क्वीन d2 कैसलिंग जो है वो लॉन्ग करेंगे एंड देन h5 को ओपन करो एंड sec एंड मेट। इस तरह से जो है बॉबी फिशर कहते थे, स्पेशली जब वो जो है वो फियांचटो स्ट्रक्चर के सामने खेलते थे। यहाँ पे बिशप टू g7 एंड नाउ क्वीन टू d2, नाइट f6, कैसलिंग लॉन्ग एंड नाउ c6। सो c6 का आइडिया ये है दोस्तों कि क्वीन f5 के लिए आप जो है जगह भी बनाते हो, और ये सेम क्वीन जो है वो कई बार फिफ्थ रैंक से जो है अपने किंग का डिफेंस भी करती है, और साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ काउंटर अटैकिंग पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ब्लैक क्रिएट करना चाहता है। बट ब्लैक के लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वाइट जो है फुली डेवलप है, उसका किंग पर्टिकुलरली सेफ है, और ब्लैक अगर क्वीन f5 लेके आगे जाता भी है, देन दूसरा कोई पीस नहीं है जो इतनी जल्दी जो है वो अटैक में कंट्रीब्यूट कर पाए। यहाँ पे बॉबी फिशर ने बिशप टू h6 खेला एंड नाउ बिशप कैप्चर h6 जो है वो एक्चुअली ब्लैक के लिए अच्छा है, जहाँ पर क्वीन कैप्चर्स ऑन h6 एंड नाउ नाइट b2 d7। सो यहाँ पर जो है वो ब्लैक कुछ लंबी फाइट की जो है उम्मीद रख सकता है। बट स्टिल दोस्तों, यहाँ पे भी जो है उसका कैसल थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टॉप है, और ऑफकोर्स हम जो है यहाँ पे क्वीन g7 नहीं खेल सकते, अदरवाइज सिंपली जो है रुक टू g8 आ जाएगा और वापस क्वीन h6 लेके जो है वो जाना पड़ेगा। सो उसका कोई पॉइंट नहीं है। बट एनीवेज, बिशप h6 एंड ब्लैक ने जो है यहाँ पे कैसलिंग किया एंड नाउ, जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों कि जब भी फियांचटो स्ट्रक्चर होता है h4 h5, काफ़ी जो है वो सिंपल आइडिया है। सो हाँ, h4। और यहाँ पे दोस्तों, अगर ब्लैक को जो है गेम लंबी खींचनी है, देन उसको जो है एक पोन देके खेलना चाहिए विथ पोन टू e5। और अब जो है वाइट को भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली जो है वो पोन को कैप्चर करते हो तो वो इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें ब्लैक जो है इजिली इक्वलाइज कर सकता है, से डी कैप्चर्स e5 बट देन क्वीन कैप्चर्स d2, और अब जो है बिशप से मारना फोर्स है, राइट। सो बिशप कैप्चर्स d2 बट नाउ नाइट टू g4, और अब जो है f2 पे अटैक है, e5 पे अटैक है, राइट। सो इस वजह से जो है यहाँ पे ब्लैक को एक पोन वापस मिल ही जाएगा, हमें नाइट h3 खेलना पड़ेगा एंड देन नाइट कैप्चर्स ऑन e5, और गेम जो है वो तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। बट h4 एंड e5 के बाद एक्चुअल में जो है वो बॉबी फिशर पहले बिशप कैप्चर्स ऑन g7 खेल सकते हैं, जहाँ पे किंग कैप्चर्स g7 के बाद डी टैक्स ऑन e5, और अब क्वीन कैप्चर्स d2 बट देन रुक कैप्चर्स d2 एंड नाउ नाइट टू g4। अब देखिए, रुक जो है वो f2 पोन को सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स अब जो है हम सिंपली f4 खेलेंगे और हमारा e5 भी सेव है। सो बेसिकली वाइट के पास एक्स्ट्रा पोन है और उसकी गेम जो है यहाँ पे अच्छी है, बट स्टिल यहाँ पे जो है वो फाइट की उम्मीद की जा सकती है। बट एनीवेज, गेम में जो है h4 के बाद अब ब्लैक ने क्वीन टू a5 खेला एंड नाउ h5। सो यहाँ पे दोस्तों, अब जो है आप किससे कैप्चर करोगे, गेम में जो है वो जी कैप्चर्स ऑन h5 खेला गया। अगर h5 के बाद से आप जो है वो नाइट कैप्चर्स ऑन h5 खेलते हो बट देन बिशप कैप्चर्स ऑन g7, और अब यहाँ पे ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, किंग कैप्चर्स ऑन g7 एंड नाइट कैप्चर्स ऑन g7। अगर आप जो है यहाँ पे किंग कैप्चर्स ऑन g7 खेलते हो, देन सिंपली बिशप टू e2, और यहाँ पे आइडिया है हमारा सिंपली पोन टू g4 का, राइट, जिसमें बाद में जो है क्वीन टू h6 चला जाएगा और यहाँ पे गेम जो है वो सिंपली वाइट के हाथ में आ जाएगी। और से आप जो है बिशप कैप्चर्स ऑन g7 के बाद नाइट कैप्चर्स ऑन g7 खेलते हो, देन क्वीन टू h6, और अब जो है ऐसे आप खेलते हो यहाँ पे से नाइट टू h5। सो आप जो है अगेन लाइन को क्लोज कर देते हो और g4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिशप कैप्चर्स ऑन g4। देन दोस्तों, यहाँ पे नाइट f3। सो अब हमारा आइडिया है सिंपली नाइट को g5 पे लेके जाने का, एंड से आप जो है f6 करके उसको स्टॉप करते हो, बट देन बिशप टू d3, और यहाँ पे आइडिया है सिंपली बिशप कैप्चर्स ऑन g6 का। और ये आइडिया कितना स्ट्रॉन्ग है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक रैंडम मूव कर रहा हूँ ब्लैक से नाइट टू a6, बट नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन g6, एच कैप्चर g6, क्वीन कैप्चर g6 चेक एंड नाइट टू g7 के बाद रुक h7, सो चेकमेट g7 पे हो रही है, और रुक f7 सेव करने के बाद सिंपली जो है क्वीन टू h6। और दोस्तों, यहाँ पे अब जो है रुक h8 को स्टॉप नहीं किया जा सकता, सो बेसिकली जो है वो वाइट विन हो रहा है h5 के बाद, अगर आप जो है वो नाइट कैप्चर्स ऑन h5 के लिए जाओ। सो यहाँ पे
ब्लैक को आइडियली क्या खेलना चाहिए। उसने जो पॉन कैप्चर्स ऑन h5 खेला उसमें भी g5 ओपन हुई जो आगे चल के जो है उसी उसके लिए मुसीबत का रीज़न बनी। बट यहाँ पर एक्चुअली आपको जो है एक पोन दे के खेलना चाहिए, वो है सिंपली जो है g5, जहाँ पर बिशप कैप्चर्स g5 के बाद यहाँ पर स्टिल वाइट की पोजिशन जो है अच्छी है एंड माइट बी विनिंग भी है। बट इसमें दोस्तों जो है इतना स्ट्रॉन्ग अटैक आने की उम्मीद जो है वो कम है। बट एनीवे इस गेम में चलते हैं जहाँ पे h5 एंड नाउ जी कैप्चर्स ऑन h5 खेला गया एंड नाउ बिशप टू d3, जस्ट बिशप को डेवलप किया एंड देन प्रिपेयरिंग नाइट g2 e2 और उसके बाद जो है रुक टू g1 एंड देन हम जो है g4 के लिए जा सकते हैं। नाउ नाइट b2 d7, नाइट g2 e2 एंड नाउ रुक टू d8। सो रुक को जो है क्वीन की लाइन में रखते हैं एंड ऑफन ये अच्छी स्ट्रेटजी होती है। और यहाँ पे ब्लैक की क्वीन जो है काफ़ी अच्छा डिफेंस कर रही है, अदरवाइज क्वीन g5 आ जाता तो गेम जो है वहीं फिनिश हो जाती। यहाँ पे g4 बॉबी फिशर ने खेला एंड दोस्तों ये मूव जो है वो काफ़ी पावरफुल मूव है। और यहाँ पे पोजीशन देखिए ना, आप जो है नाइट से कैप्चर कर सकते हो और ना ही पॉन से। रीज़न क्या है देखिए, अगर आप जो है पॉन से कैप्चर करते हो देन बिशप कैप्चर g7, किंग कैप्चर g7, क्वीन h6 चेक, किंग h8 एंड नाउ बिशप कैप्चर ऑन h7 जो है वो यहाँ पर सिंपल विनिंग है। और उसी तरह से दोस्तों से आप जो है g4 के बाद नाइट कैप्चर्स ऑन g4 खेलते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि रुक d2 g1 और उसके बाद जो है f3 में गेम सेव ही नहीं हो रही है। आई मीन यहाँ पे आप क्या खेलोगे, फॉर एग्जांपल किंग को कहीं पे मूव करने की ट्राई करते हो देन बिशप कैप्चर्स ऑन g7 चेक, किंग कैप्चर्स, उसके बाद f3 में जो है नाइट पिन है उसकी वजह से चली जाएगी और नाइट पहले मूव करते हो देन रुक कैप्चर g7 जो है वो जस्ट विनिंग है। सो यहाँ पर वाइट इज़ जस्ट विनिंग। सो इसलिए g4 के बाद एक्चुअली गेम में जो है वो काल ने नाइट टू f8 खेला एंड नाउ जी कैप्चर्स ऑन h5, सो बेसिकली जी फाइल ओपन हो चुकी है एंड नाउ नाइट टू जस्ट e6। सो यहाँ पे बिशप को सपोर्ट किया और साथ साथ ये नाइट जो है वो थोड़ा बहुत g5 स्क्वायर पे देख रही है। रुक d2 g1 एंड नाउ किंग टू h8, जस्ट जो है बिशप को पिन से रिमूव किया एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन g7, नाइट कैप्चर्स ऑन g7, क्वीन टू h6, सो थ्रेट है क्वीन कैप्चर्स g7 चेकमेट की। सो रुक टू g8 जो है वो गेम में खेला गया एंड नाउ रुक टू g5 क्वीन पे अटैक है एंड क्वीन टू d8 एंड नाउ रुक h2 g1 एंड नाउ नाइट जो है अंडर अटैक है। और यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में जो है वो ब्लैक ने नाइट f5 खेला और एक मूव के बाद रेजिग्नेशन दे दिया। बट अगर आप जो है क्वीन f8 खेल के नाइट को सेव करने की ट्राई करते हो देन d5 जो है वो जस्ट विनिंग है। पॉइंट ये है कि नाइट कैप्चर्स ऑन d5 देन क्वीन कैप्चर्स h7 चेकमेट है और पॉन कैप्चर्स ऑन d5 के बाद सिंपली नाइट कैप्चर्स d5 और बाद में जो है आप नाइट कैप्चर्स f6 या तो फिर नाइट कैप्चर ऑन e7 जैसी मूव को स्टॉप ही नहीं कर सकते। सो बेसिकली वाइट इज़ विनिंग। सो d5 के बाद से आप जो है अपना बिशप डेवलप करते हो ऑन सिंपली जो है d7। बट देन दोस्तों d6, पॉइंट ये है कि जैसे ही पोन अटता है क्वीन कैप्चर्स ऑन f6 जो है वो विनिंग है और अगर आप कुछ नहीं करते हो देन पोन कैप्चर्स ऑन e7 और उसके बाद जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन f6 जो है वो विनिंग है। क्योंकि पोन कैप्चर e7 के बाद आप क्या खेलोगे, आप अगर यहाँ पे रुक टू e8 नहीं खेलते हो देन पोन कैप्चर e7 में आपको क्वीन से मारना पड़ेगा, उस केस में रुक कैप्चर g7 विन हो जाते हो। रुक e8 रखते हो देन पोन कैप्चर e7, रुक कैप्चर e7 और उसके बाद क्वीन कैप्चर f6 जो है वो विनिंग है। सो ऑल इन ऑल वाइट विन हो रहा था। सो रुक h2 g1 के बाद इस पोजीशन में नाइट टू f5 ब्लैक ने खेला एंड जैसे ही बॉबी फिशर ने बिशप कैप्चर्स ऑन f5 खेला यहाँ पर एक्चुअली ब्लैक ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो रेजिग्नेशन का पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप जो है यहाँ पर से बिशप कैप्चर्स ऑन f5 खेलते हो बट देन सिंपली रुक कैप्चर्स ऑन g8 में जो है वो क्वीन जा रही है। पॉइंट ये है कि नाइट कैप्चर्स g8 पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज क्वीन टू जस्ट g7 चेकमेट हो जाती है। सो ऐसे आप यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स खेलते हो बट देन सिंपली रुक कैप्चर्स g8, रुक कैप्चर्स g8 और यहाँ पे जो है रुक के बदले में बॉबी फिशर के पास क्वीन है प्लस ब्लैक का किंग जो है वो काफ़ी वीक है। सो इसीलिए जैसे ही बॉबी फिशर ने बिशप कैप्चर्स ऑन f5 इस पर्टिकुलर पोजीशन में खेला यहाँ पे कार्ल रोबर्ट्स ने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको बॉबी फिशर की ये पावरफुल गेम और आज का ये वीडियो, आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।